हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलकम गुरुजी चैनल पर। मेरा नाम है जगजीत, आप सबका दोस्त इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, जिस वीडियो का आपको बड़े दिनों से इंतजार था, आज वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अपने टीवी या फिर एंड्रॉयड बॉक्स या फिर एंड्रॉयड टीवी स्टिक के साथ कैसे कास्ट कर सकते हैं, वो भी बड़ी ही आसानी से। इस टॉपिक के ऊपर मैं पहले भी दोस्तों वीडियो बना चुका हूं, लेकिन उस वीडियो में मैंने जो आपको ऐप बताया था, उस ऐप में कास्टिंग करने के बाद आपकी जो वीडियो की साउंड थी वो आपके टीवी में से ना कर आपके मोबाइल फ़ोन में से आती थी। लेकिन आज इस वीडियो में मैं जो आपको ऐप बताऊँगा, उस ऐप में से ना केवल आपको अपने टीवी के ऊपर ही साउंड सुनाई देगी, बल्कि आपको हाई क्वालिटी के अंदर वीडियोस अपने टीवी के ऊपर दिखाई भी देंगी। और इस ऐप की सबसे खास बात दोस्तों यह है कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको कोई भी कॉमन वाईफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है और अपने टीवी या फिर अपने एंड्रॉयड बॉक्स या फिर एंड्रॉयड टीवी स्टिक, जो भी आप यूज़ करते हैं, उसको अपने हॉटस्पॉट के साथ कनेक्ट करना है और आप इस ऐप के जरिए डायरेक्टली अपने टीवी या फिर एंड्रॉयड बॉक्स के ऊपर वीडियोस प्ले कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। उसके चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ज़्यादा देरी ना करते हो दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज मैं यूज़ करने वाला हूँ एमए टीवी स्टिक। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी टीवी स्टिक इस टीवी के साथ कनेक्टेड है। तो टीवी स्टिक को कनेक्ट करने के बाद आपको सबसे पहले ऐप्स में जाना है और यहां से आपने गेट मोर एप्स पर क्लिक करना है और यहां पर आपने ऊपर सर्च पर जाना है और सर्च में आपने टाइप करना है फास्ट कास्ट। तो जैसे ही आप फास्ट कास्ट टाइप करेंगे, आपको नीचे यहां पर एक फास्ट कास्ट टीवी ऐप के नाम से एक ऐप नजर आएगी। आपने इसको यहां से क्लिक करना है और इसको आपने अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर लेना है, जो भी आप डिवाइस यूज कर रहे हैं। मैं इसको यहाँ से जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। जब तक ये ऐप आपके टीवी के अंदर इंस्टॉल होती है, तब तक आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर जाना है और यहाँ से आपने गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करना है फास्ट कास्ट और फास्ट कास्ट टीवी के नाम से आपने सर्च करना है और यहाँ से आपने जो भी आपको ऐप नज़र आएगी उसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। मैं इस ऐप को ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपने यहाँ से बाहर आ जाना है और उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा हॉटस्पॉट है मोबाइल फ़ोन का, वो मेरे एम आई टी वी स्टिक के साथ कनेक्टेड हो चुका है। आपकी तसल्ली के लिए मैं एक बार जो ये वाला मेरा जो पहले इसके साथ कनेक्टेड था, इसको मैं यहाँ से फॉरगेट कर देता हूँ। तो अभी देख सकते हैं सिर्फ मेरा जो हॉटस्पॉट है वो यहाँ पर कनेक्टेड है। और उसके बाद आपने ऐप्स में जाना है और यहाँ से आपने जो अभी हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी फास्ट कास्ट टीवी, उसको ओपन कर लेना है। तो अभी ये जो हमारी ऐप है वो ओपन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर जाना है और यहाँ से आपने जो फास्ट कास्ट ऐप को इंस्टॉल किया था उसको ओपन कर लेना है। ऐप को ओपन करने के बाद आपने नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर एक आइकॉन नज़र आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो ये ऐप है वो हमारी एंड्रॉयड टीवी स्टिक के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। आप ऊपर फास्ट कास्ट आईडी देख सकते हैं, यहाँ पर आ गई है। उसके बाद आपने बैक जाना है और यहाँ से कोई भी वीडियो आप चाहें उसको यहाँ से प्ले करके देख सकते हैं। मान लीजिए मेरा ही ये खुद का एक रिकॉर्डेड पहले का वीडियो, मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ। आपने सिर्फ वीडियो को ओपन करके उसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी ये जो वीडियो है वो फुल क्वालिटी के अंदर प्ले हो जाएगी। अभी आप देख सकते हैं जो साउंड आ रही है वो हमारे टीवी से आ रही है, ना कि अपने मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन में हमारी जो साउंड है वो बिल्कुल बंद हो चुकी है और ये एक तरह से बिल्कुल क्रोमकास्ट फीचर की तरह ही काम कर रहा है। आप देख सकते हैं जो साउंड है वो टीवी से आ रही है और बड़ी ही अच्छी क्वालिटी के अंदर ये वीडियो यहाँ पर प्ले हुआ है। आप चाहें तो इस ऐप से बाहर आकर अपना कोई और भी काम कर सकते हैं। आप चाहे चैटिंग कर सकते हैं, कोई भी आप इंटरनेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, फेसबुक चला सकते हैं, व्हाट्सएप चला सकते हैं और आपकी जो वीडियो वो वहां पर चलती रहेगी। अगर आपने फिर से वीडियो वापस जाना है तो आपने ऊपर से क्लिक करना है और यहां से आपने इसके अंदर चले जाना है तो वीडियो के अंदर आप फिर से पहुँच जाएंगे। यहाँ से अपने नीचे से आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को बंद करके कोई और वीडियो चलाना चाहते हैं तो आपने रिमोट से दो बार बैक बटन को दबाना है और आप इस वीडियो से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद आप चाहें तो नेक्स्ट वीडियो प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैं ये वीडियो प्ले करना चाहता हूं।
तो आप देख सकते हैं हमारी ये वीडियो भी यहाँ पर प्ले हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी के अंदर ये वीडियो यहाँ पर प्ले हो रही है। वीडियो के अलावा दोस्तों अगर आप पिक्चर्स वगैरह प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पिक्चर्स वाले फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने पिक्सल लैब में बनाई हुई हैं, उनको अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो यहाँ से मैं सिर्फ पिक्चर पर क्लिक करना है और वो पिक्चर आपको टीवी के ऊपर सामने नज़र आ जाएगी। आप देख सकते हैं जो मैंने पिक्चर यहाँ पर सेलेक्ट किया था वही पिक्चर मुझे टीवी के ऊपर सामने नज़र आ रहा है। अब मैं अगर इसको लेफ़्ट या राइट करूँगा तो वही पिक्चर यहाँ पर हमारे टीवी के ऊपर आपको नज़र आएगी। आप देख सकते हैं थोड़ा एक सेकंड का आपको लैग मिलेगा लेकिन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आएगी, किसी भी तरह की क्वालिटी का लॉस यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं आप यहाँ से इसको ऑटो प्ले भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से ऑटो प्ले पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको तीन तरह के ऑप्शन मिलते हैं, 5 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड। मान लीजिए मैं 5 सेकंड पे इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ तो 5-5 सेकंड के अंतराल के बाद पिक्चर अपने आप नेक्स्ट होती रहेगी और पिक्चर के बाद अगर आप चाहते हैं म्यूज़िक सुनना तो वो भी आप सुन सकते हैं। म्यूज़िक पर आपने क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते हैं म्यूज़िक यहाँ पर मेरा पड़ा हुआ है। यहाँ से मैं किसी भी एक फाइल को यहाँ से प्ले कर देता हूँ तो अभी देख सकते हैं म्यूज़िक भी हमारा टीवी के ऊपर प्ले हो चुका है। दोस्तों हमें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अपने टीवी के साथ मिरर करने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के जो लोकल डाटा होता है, वीडियोस होती हैं, म्यूज़िक होता है, फोटोग्राफ्स होती है, उनको अपने टीवी के ऊपर देख पाएं और इसलिए हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को मिरर करते हैं। वैसे जैसे दूसरी ऐप हैं जैसे यूट्यूब हो गई, G5 हो गया, हॉटस्टार हो गया, इन सभी के अंदर हमें क्रोम कास्ट का फीचर मिलता है, लेकिन अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से कोई डाटा अपने टीवी के ऊपर चलाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें क्रोमकास्ट का फीचर नहीं मिलता है। तो इस ऐप को यूज़ करके आप अपने लोकल डाटे को अच्छी क्वालिटी के अंदर अपने टीवी के ऊपर प्ले कर सकते हो। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो कि अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को अपने टीवी के ऊपर देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो सबसे लास्ट ऑप्शन है डिस्प्ले पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक स्कैन कोड का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसके ऊपर यहाँ से क्लिक कर देना है, यहाँ से इसको अलाउ करना है और उसके बाद आपने अपने टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉयड टीवी पर जाना है और जो आपको सबसे लास्ट यहाँ पर QR कास्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा यहाँ पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन से स्क्रीन के ऊपर दिए हुए QR कोड को स्कैन करना है और उसके बाद स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपके जो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है वो भी आपके टीवी के साथ कास्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन है वो कास्ट भी हो गई है। लेकिन यहाँ पर मैं दोस्तों आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन क्वालिटी आपको कास्टिंग के अंदर मैंने पहले बताई है वो क्वालिटी आपको डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लो क्वालिटी मिलेगी अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन को यहाँ पर मिरर करते हो। इससे अच्छा तो यही है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की वीडियोज़ या फिर म्यूज़िक या फिर फोटोग्राफ्स को कास्टिंग के ज़रिए अपने टीवी के ऊपर चलाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं कोई वीडियो यहाँ पर प्ले भी करता हूँ तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर प्ले नहीं होगा। आप देख सकते हैं पहले हमारी जो वीडियो थी वो फुल स्क्रीन आ रही थी लेकिन यहाँ पर वीडियो फुल स्क्रीन नहीं आ रही है लेकिन यहाँ पर कास्टिंग हो रही है और साउंड भी दोस्तों हमारे टीवी में से ना आकर मोबाइल फ़ोन में से आ रही है। तो बेहतर यही होगा कि आप जो मैंने आपको पहले ऑप्शन बताया था वो आप यूज़ करें, स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन यूज़ ना करें। अब दोस्तों आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि क्या जब भी हम अपने मोबाइल फ़ोन को अपने टीवी या फिर एंड्रॉयड बॉक्स के साथ कास्ट करते हैं तो हमें मोबाइल डाटा ऑन रखने की ज़रूरत पड़ती है? तो यहाँ पर वो भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मेरा जो मोबाइल डाटा है वो ऑन है, अभी मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से आपको कोई भी एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे आ गया है कि इक्विपमेंट डिसकनेक्टेड और उसके ऊपर आप MATV स्टिक देख सकते हैं, आपने इसको यहाँ से क्लिक कर देना है तो भी आपको दिखाएगा कि वाईफाई इज़ डिसकनेक्टेड। तो इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक बार फिर से डाटा को यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो उसके लिए दोस्तों आपने एक बार इस ऐप से बाहर आना है और यहाँ से अपने हॉटस्पॉट को एक बार बंद करना है और उसको फिर से दोबारा ऑन करना है और आपने यहाँ से भी बाहर आके फिर से एक बार अपने हॉटस्पॉट के साथ अपने जो टीवी स्टिक या फिर बॉक्स है उसको कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से अपने ऐप्स में जाना है और फास्ट कास्ट ऐप को ओपन करना है और उसके बाद आपने अपने मोबाइल फ़ोन में आना है और यहाँ से फास्ट कास्ट ऐप को ओपन कर लेना है।
तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो ये ऐप है वो हमारी एंड्रॉयड टीवी स्टिक के साथ कनेक्टेड हो चुकी है। अब आपने किसी भी वीडियो को यहाँ से प्ले कर लेना है। हेलो डॉक्टर स्वागत है आपका वेलकम तो गुरुजी अभी चैनल देख पर। सकते मेरा नाम है हैं जी साहब हमारी जो गुरुजी वीडियो यहाँ चैनल पर पर प्ले आपका हो स्वागत चुकी है। अब मैं आपको इंटरनेट यहाँ से बंद करके दिखाता हूँ। अभी देख सकते हैं यहाँ पर मैं मोबाइल डाटा को यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मोबाइल डाटा यहाँ से ऑफ हो चुका है। यहाँ पर मेरा जो हॉटस्पॉट है वो ऑन है अभी भी, लेकिन मोबाइल डाटा मैंने ऑफ कर दिया है। वाईफाई भी आप देख सकते हैं मेरा किसी भी के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ मेरा हॉटस्पॉट ऑन है और उस हॉटस्पॉट के साथ मेरी ये जो एंड्रॉयड टीवी स्टिक है वो कनेक्टेड। आप देख सकते हैं यहाँ पर वन कनेक्टेड डिवाइस। तो अभी भी आप देख सकते हैं जो वीडियो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से प्ले हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपने कोई लंबी मूवी वगैरह देखनी है तो आपने एक बार अपने मोबाइल फ़ोन को अपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है, उसके बाद अपने डाटा को ऑफ कर देना है, तो आपकी जो वीडियो वो चलती रहेगी बिना किसी रुकावट के। तो अगर आप फिर से एक बार कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई और वीडियो चलाना चाहते हैं, तो आपने बस अपने मोबाइल डाटा को ऑन करना है और उसके बाद आपने इस ऐप को अपने एंड्रॉयड टीवी या फिर एंड्रॉयड टीवी स्टिक या फिर एंड्रॉयड बॉक्स के साथ फिर से कनेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों होपफुली आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।